जन हमारे बहुत ईमान के योग श्री राहुल गांधी जी, हमारे जन सेक्रेटरी इंचार्ज गुलाम नबी आजाद जी, कुमारी शैलजा जी, दीपेंद्र जी, आफताब अहमद जी, मोहम्मद इलियास जी, इसराइल जी और यहां पर डॉक्टर शमसुद्दीन जी और यहां पर आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो आप सभी की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में एक तरफ नाथूराम गौडसे की पार्टी है जिन्होंने देश को, देश का भाईचारा बिगाड़ा, जिन्होंने देश में अमन और चैन खत्म किया, जो गौ माता के नाम से लोगों का कत्ल करते हैं, और एक तरफ हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी, नेहरू जी की पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी, राजीव जी की पार्टी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आज महंगाई कमर तोड़ रही है। ये सही कहा कि 75 पार नहीं, मैं कहना चाहूंगा इनको सत्ता से बाहर करना है, ये नारा हमारा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मारुति है, टाटा मोटर है, अब पूरे एनसीआर में करीबन 2 लाख हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए आर्थिक मंदी की वजह से। ये क्यों है? ये नोटबंदी की वजह से। नोटबंदी से बड़े बड़े अमित शाह जैसे व्यक्ति के बेटे ने 50,000 से 50 करोड़ रुपए खाते में कर लिए। इन लोगों ने बच्चों की हुंडी तोड़ी, इन्होंने हमारी महिलाओं की हुंडी तोड़ी और आखिर में रिजर्व बैंक की हुंडी भी, उसमें से 1.76 लाख रुपए निकालकर इस देश के साथ बड़ा भारी अत्याचार किया है। इनके अलावा मैं कहना चाहूंगा, रविदास मंदिर इन्होंने तोड़ा, इन्होंने रिजर्व बैंक को खत्म कर दिया, सीबीआई और ईडीआई के द्वारा हमारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से काम किया है। आज पहलू कांड ले लीजिए, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहूंगा मेवात के लोगों को, केवल एक ही पार्टी है जो आपको सब कुछ दे सकती है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार, बताना चाहूंगा सरकार हमारी हरियाणा में बनेगी, और मैं आपसे केवल 3 बात कहूंगा। एक तो मेवात कनाल इस इलाके का सपना है, दूसरा हमारे यहाँ का सपना है कि यहाँ पर रेल की सीटी कभी नहीं बजी। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार बने तो रेल की सीटी बजे, और हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि सब जगह यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मैं अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, सब लोगों ने मुझे यहाँ से 2,78,000 वोट दिए, जो कि रिकॉर्ड तौर पे है, उसका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकता हूँ। मैं अंत में, आप सब लोग आए, आपने मेरे विचार सुने, और मैं समझता हूँ कि आने वाली 21 तारीख को मैं राहुल जी से ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार 0 था हमारे यहाँ, इस बार मैं इतना कहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ दी सीट हमारे अहिरवाल मेवात में आपकी झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।